जूता क्यों छाला गया, लेकिन जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वहां पर पहुंचे, डाइस पर खिताब करने वाले थे, तो एक शख्स की जाने पे उन पर जूता उछाल दिया गया। वो शख्स उनके बिल्कुल सामने मौजूद था, फुटेज में भी देख सकते हैं कि वो डाइस के बिल्कुल सामने मौजूद था। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, साबिक वजीर आजम मुसाफा करते हुए डाइस पर पहुंचे और उस शख्स की जानिब से बिल्कुल उनके सामने आते ही उन पर जूता उछाल दिया गया। वो एक जानिब डाइस के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मौजूद थे तो दूसरी जानिब डाइस पर जूता उछालने वाला मौजूद था। यह मनाजिर आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, साबिक वजीर आजम खिताब करने पहुंचे तो वो शख्स डाइस के दूसरी जानिब एकदम सामने आ खड़ा हुआ और उसने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर जूता उछाल दिया और जूता मार दिया साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से उस शख्स को पकड़ लिया गया और उसको मारते हुए पंडाल से बाहर ले गए। सेमिनार के मेहमान खुसूसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनका इस्तकबाल इस तरह से किया गया कि जब वो डाइस पर पहुंचे तो एक शख्स जिन्होंने उन पर जूता दे मारा, जैसे उनके मुंह पर जूता लगा तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ सहम गए और साइड पर हो गए और देखा जा सकता है इस शख्स को, इसके हुलिये से देखा जा सकता है कि आया